चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। क्या आने वाले टाइम पे कानूनों में ये संशोधन करेंगे कि जिस पे भी इस तरह के केस लगेंगे पहले जांच होगी या गिरफ्तारी होगी? इन पे एलिगेशन ना लगाओ, ये कोई बच्चे आंदोलनकारी थे, वे हताश हैं। पुलिस ने जिस तरह का व्यवहार करा उनके साथ में, जब तक न्याय नहीं मिलता हम जाएंगे, हम इंटरनेशनल फेडरेशन में भी जाएंगे। ये अपमान जो है महिलाओं का अपमान है, देश के तिरंगे का अपमान है, इसी स्लोगन के साथ में हम देश भर में जाएंगे। आदरणीय अध्यक्ष जी, एक खास जो ये मीटिंग हो रही है खाम पंचायतों की, और ये ऐतिहासिक गांव सोरम, यहां पर फंसी सभी किसानों, खाप चौधरी, सम्मानित पत्रकार, नन्हे मुन्ने बच्चे और हमारे बुजुर्गवार, ये एक मुद्दा पिछले 40-45 दिन से चला हुआ है, जो हमारे बच्चे हैं, जो पहलवान इस देश में आंदोलन करने का तरीका तो शांतिपूर्ण है, ये देश के संविधान ने हमको दिया, ये हमारा मौलिक अधिकार भी है। शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन करते हुए बच्चों को वहां से उठाया और 40 दिन से वे एक एलिगेशन झेल रहे हैं कि ये तो झूठ बोल रहे हैं, जांच होगी। हमने कहा कि पॉक्सो धाराएं जिस पे लगी आज से पहले, उसकी गिरफ्तारी पहले हुई या जांच पहले हुई? तो सबने ये बताया कि गिरफ्तारी पहले हुई। अगर उनकी गिरफ्तारी पहले हुई तो वही इस वाले केस में क्यों गिरफ्तारी नहीं? क्या आने वाले टाइम पे कानूनों में ये संशोधन करेंगे कि जिस पे भी इस तरह के केस लगेंगे पहले जांच होगी या गिरफ्तारी होगी? या तो एक कानून ही बना दो कि गिरफ्तारी नहीं होगी, हम पहले जांच करेंगे तो भी हम इनको सबको मनाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, ये तो जो बीच का पीरियड चल रहा है, इनके लोग होंगे तो उनकी गिरफ्तारी नहीं होगी, उनकी जांच होगी, दूसरा कोई आदमी होगा तो उसकी गिरफ्तारी पहले होगी। ये लड़ाई इसी की है, हम शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात कह रहे हैं। यहां पे भी बहुत फैसले हुए, फैसला तो यहां का सुरक्षित रखा, लेकिन ये जरूर रहा कि राष्ट्रपति से मिलेंगे। एक फैसला ये पंचायत ने कहा कि एक सुना दो कि राष्ट्रपति से खाप प्रतिनिधि मिलेगा, सरकार से मिलेगा, और जो भी फैसले होंगे वो कल कुरुक्षेत्र में होंगे, लेकिन ये लड़ाई लड़ जाएगी। ये खाप पंचायत लड़कियां ये हारेंगी नहीं, ये लड़ाई लड़ी जाएगी, ये अन्याय उनके साथ में नहीं होगा। अभी तो सरकार बांटने पर लगी हुई है, गुज्जर और ठाकुर का विवाद करवा दिया, नया विवाद है, बिल्कुल कुछ नहीं है, नया विवाद कि वो योद्धा थे, वीर थे, कि वे किस जाति के थे। जिस टाइम पे उन्होंने लड़ाइयां लड़ी उस टाइम पे तो जातियां ही नहीं थी, योद्धा की कोई जाति नहीं होती। तो मेरा सभी जो जातियां आपस में लड़ रही है उनसे सभी से अपील है कि लड़ो मत, और दोनों कुंडवा ठीक हो गया, तीनों हो गया, मैं तो जाट्टू का भांजा भी था, तो अब क्या करोगे? वो कोई जातियां थोड़ा थे, वो योद्धा था, वो लड़ने वाले थे। जैसे हम इन बच्चों के लिए कह रहे कि इनकी कोई जातियां नहीं है, तो ऐसे उनकी भी कोई जातियां नहीं होती योद्धाओं की। और अगर ठाकुर समाज गुजरों को कह रहा भाई वो मारा था, तो भाई बड़ा कुणबा हो गया, इन्हें दूसरी बिरादरियों को भी जोड़ दो, तो कुणबा अगर बड़ा हो जाए तो क्या दिक्कत है? लेकिन सरकारों की आप चाल समझ लो, उनकी जो चाल है, पहले हिंदू मुस्लिम करा, बिहार में जाकर लालू प्रसाद का परिवार तोड़ा, यहां पर मुलायम सिंह का तोड़ा,
उत्तर प्रदेश में हिंदू मुस्लिम करा, राजस्थान गए वहां पे उन बिरादरियों को तोड़ रहे हैं, यहां पे गए तो चौटाला परिवार तोड़ दिया सब, आगे गए गुजरात में गए तो मराठा नॉन मराठा करा, महाराष्ट्र में वहां पर पटेल नॉन पटेल करा। इनको देश को जोड़ना नहीं, पहले धर्म में बांटा, अब जाति में बांटे कि किसान आंदोलन या कोई भी सार्वजनिक मुद्दा लेके ये इकट्ठे ना हो, इतनी नफरत इनमें पैदा कर दो। ऐसे इन पहलवानों को कह रहे कि ये तो किसी जाति के थे, ये तिरंगा जाति के थे। देश में जो राष्ट्र के लिए काम करेगा उसकी जाति है तिरंगा, ये उसके थे तिरंगे के। जब ये वहां पे पदक लेकर आए, इन्होंने कोई अपना बोर्ड लगा रखा था? ये नेशनल फ्लैग लेके गए थे वहां पे, तिरंगे का ही विदेश में सहारा होता है और कोई सहारा नहीं होता। हम भी करीब 24-25 देशों में गए तो हमको भी जो पहचान मिलती है वहां पे नेशनल फ्लैग होता है, इससे पहचान मिलती है कि हम इंडियन हैं, हम भारत के हैं। हम अपना झंडा लेकर जाए तो उसकी कोई पहचान नहीं है, हम भी अपना नेशनल फ्लैग लेकर जाते हैं। इन पे एलिगेशन ना लगाओ, ये कोई बच्चे आंदोलनकारी थे? वे हताश हैं, पुलिस ने जिस तरह का व्यवहार करा उनके साथ में, वे तो जब आते थे एयरपोर्ट पे तो पुलिस उनको मिलती थी, उनको सलूट करती थी, उनके गले से लगाती थी, लेकिन जो वो व्यवहार हुआ उससे वे बच्चे हताश हैं। उनको हताश होने की जरूरत नहीं, ये आंदोलन ये लड़ाई ये लड़ी जाएगी। अगर न्याय नहीं मिलता तो पूरे देश में लड़ेंगे, न्याय नहीं मिलता तो हम कल अयोध्या में भी गए थे, वहां पे भी बहुत पत्रकार बंधु वहां पे भी मिले हमको, हम हनुमानगढ़ी के दर्शन करने गए वहां पे भी मिले, सब संत महात्मा आपके साथ में है। जो राम मंदिर बन रहा है उसके भी दर्शन करने गए, वहां पे भी लोग मिले पुलिस फोर्स से लगा के, और अधिकारी जितने भी संत महात्मा हैं सब अन्याय के खिलाफ हैं, आपके साथ में है, चिंता करने की जरूरत नहीं है। 5 तारीख में मीटिंग कर रहे हैं, करो, हम भी मीटिंग करेंगे, हमारे भी यात्राएं निकलेगी। ट्रैक्टर कोई किराए के जाने हैं क्या? मीटिंग होगी, हमने पहले भी कहा था जब हम महम में गए कि खाप खाप पंचायतों की बड़ी बड़ी मीटिंगें करेंगे, हर खाप की मीटिंग करेंगे, हर समाज की मीटिंग करेंगे, लेकिन जब तक न्याय नहीं मिलता हम जाएंगे, हम इंटरनेशनल फेडरेशन में भी जाएंगे। उन्होंने कहा है ना कि आप गंगा में क्यों प्रभावित करते हो, आप इंटरनेशनल नीलामी लगाओ इन मंडप जो मेडल हैं, और पूरी दुनिया इनकी नीलामी छुटवाएगी, तो जब बड़ा सरे जाएगा क्या भारत को? यह निर्णय भी यहां पे हुआ कि राष्ट्रपति जी से, होम मिनिस्टर से, जिन जिन से मिलना होगा, एक कमेटी हमारी खाप चौधरियों की बनेगी, इनके साथ में हम रहेंगे और हम पूरे देश भर में मीटिंग करने का काम करेंगे। और कल वहां पे कुरुक्षेत्र में जो और फैसले हुए, उन लोगों की सबकी सलाह से अपने फैसले कल वहां से डिक्लेरेशन करेंगे, करेंगे मीटिंगे, जाएंगे हम समाज के बीच में जाएंगे, जहां जहां वो मीटिंग करेगा, क्या ये बच्चों को इनको वहां पर लेकर भी जा सकते हैं? ये घोषणा भी कर सकेंगे अगर वो 5 तारीख की मीटिंग कर रहा है, क्या ये सारे बच्चों को लेकर हमसे लोग लेकर चले तो उस मीटिंग में चले और वही निर्णय ले ले जो संत महात्माओं की मीटिंग है उसी में ही निर्णय ले ले, उन्हीं पर हमने छोड़ दिया निर्णय, दे दो कि आप अत्याचारियों के साथ में हैं या आप इंसाफ के साथ में हैं, क्या वो ठीक रहेगा? काम करने को बहुत है, अब वो उन बच्चों का काम नहीं, हमारा सर्व समाज का काम है। वहां से वे उठ गए हैं धरने से, हताश होने की जरूरत नहीं, आंदोलन चलते रहते हैं, हटते रहते हैं। टिकैत साहब 350 बार जेल गए, बहुत आंदोलनकारी हैं कि जो बहुत बहुत बार जेल गए, तो जेल भी आंदोलन का हिस्सा है।
हमारा भी वहां पे एक मीटिंग चलती रहती है, एक धरना रायपुर छत्तीसगढ़ में, वहां पर सरकार दूसरी है। तीन बार झोपड़ी उखाड़ दी, थाने में बंद कर दिया, धरना वहां पर भी चल रहा, 2.5 साल हो गए, नया रायपुर बन रहा। तो कोई आंदोलन कोई एक जगह चल रहे, किसान आंदोलन भी सबके खिलाफ है। आपके साथ में इस पार्टी के लोग भी हैं जिनकी सरकार है, चिंता करने की बात नहीं। वे कह रहे हैं कि जी हम मीटिंग में नहीं आ सकते हैं, आपके साथ में हटना है, नहीं हटना है, नहीं है साथ में। अरे मका मीटिंग में कह लें जी हमारा इलाज कर जा, किसी का पंप है, किसी का फैक्ट्री चल रही, तो ये तो भाई पंप और फैक्ट्री वालों को दाब रहे। लड़ाई लड़ी जाएगी, पत्रकार बंधु सभी हैं कि भाई वे बालक हैं, वे आंदोलनकारी नहीं है। आंदोलन तो ये समाज लड़ेगा, उन्होंने 40 दिन चला दिया, उनका धन्यवाद है। ये पत्रकार लड़ेंगे आंदोलन, ये देश लड़ेगा और जीत होगी। ये अपमान जो है महिलाओं का अपमान है, देश के तिरंगे का अपमान है। इसी स्लोगन के साथ में हम देश भर में जाएंगे। अभी जो भी और वक्ता रह रहे हैं वे बोलेंगे और मीटिंग का समापन हो जाएगा। यहाँ पे इतना ही, जो भी प्रेस के लोग होंगे वे फिर बाद में आके बातचीत कर सकते हैं। अभी चो साहब रह रहे हैं और लोग भी जो होंगे वे बोल लेंगे, और रह रहे होंगे अभी तो।